तो अब हमने जो स्टैंडर्ड रिजल्ट किया ना, उसमें ये किया कि ई की वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी है या ई की वैल्यू ई नॉट कॉस ओमेगा टी है बस। पर क्या हो अगर ये वैल्यू गिवन हो, ई वन साइन ओमेगा टी और ई टू कॉस ओमेगा टी, साइन भी प्रेजेंट है और कॉस भी प्रेजेंट है, और आपसे मैं ये पूछ लूँ कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई एम एफ क्या है। अगर आपको ये क्वेश्चन याद हो तो वापस एस एच एम पे चलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। एस एच एम के अंदर सेम क्वेश्चन आता था कि अगर एक इक्वेशन साइन में गिवन हो और एक कॉस में गिवन हो और एम्पलीट्यूड निकाल लो, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई निकालने के लिए एक शॉर्टकट करवाया था, साइन का कोफिशियंट का स्क्वायर और कॉस के कोफिशियंट का स्क्वायर का अंडर रूट। आंसर क्या आता है, 5। सेम है ये, देखो इसके अंदर बिल्कुल सेम है, ये सेम है, साइन है और कॉस है, तो शॉर्टकट क्या मारेंगे, ई नॉट। ई नॉट का मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई एम एफ को, उसका एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, तो ई एम एफ का एम्पलीट्यूड का मतलब ई नॉट निकालना। तो ई नॉट की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर। तो ये शॉर्टकट याद रहेगा, साइन के कोफिशियंट और कॉस के कोफिशियंट का स्क्वायर का अंडर रूट, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई एम एफ आ गई। पर आपसे वो पूछेगा ई आर एम एस कितनी है, पहले आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेना, फिर फॉर्मूला यूज करना ई नॉट बाई रूट टू, इस पूरी टर्म को रूट टू से डिवाइड करना, किसकी वैल्यू आ जाएगी, ई आर एम एस की। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा आएगा, समझ में आ रहा है कैसे करना है, पहले ई नॉट निकलेगा फिर ई आर एम एस निकलेगा। क्लियर है शॉर्टकट साइन और कॉस में कैसे करना है। तो जैसे कल को अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया, आई इज इक्वल टू 3 + 5 साइन ओमेगा टी, अब प्रॉब्लम यह है कि करंट टाइम के साथ अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, करंट टाइम के साथ अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है। अब प्रॉब्लम यह है कि अकेला साइन होता तो मैं शॉर्टकट मार देता, मैं यहाँ से कंपेयर करके आई नॉट 5 निकाल लेता, आई नॉट बाई रूट टू से आई आर एम एस आ जाता, बात ही खत्म थी। पर यहाँ पर चक्कर पड़ गया 3 का, कोई बात नहीं, अब ये नॉर्मल तो रहा नहीं फंक्शन। अब मैं वापस से वही डेफिनेशन यूज़ कर लूँगा, आई आर एम एस की डेफिनेशन क्या है, आई स्क्वेयर डी टी की इंटीगेशन बाई डी टी की इंटीगेशन, कहाँ से कहाँ, 0 से t, 0 से t। तो मैं इस आई की जगह ये पूरी वैल्यू पुट कर लूंगा, पूरा फंक्शन जो मुझे गिवन है, और डिनोमिनेटर की इंटीग्रेशन तो कैपिटल टी आएगी आएगी। अब मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज़ करूंगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। अब मैं इसे ओपन करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म 9 बाहर आ गया 1 dt, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म और इंटीग्रेशन ऑफ थर्ड टर्म, सारी कॉन्स्टेंट बाहर आ गए। आपको ये इंटीग्रेशन पता है, 1 dt की इंटीग्रेशन क्या होती है, टी साइन स्क्वायर की याद करवाई थी क्या, टी बाई टू, और साइन की इंटीगेशन या कॉस की इंटीगेशन 0 से t, आंसर क्या देती है, 0। टी 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 कैंसल, निकाल लेना आंसर। क्या लॉजिक है, समझ में आ रहा है, मैथ्स वालों को तो मज़े ही आ गए, इंटीगेशन मैथ्स के टीचर करवाएंगे, पहला फॉर्मूला याद करना है, बाकी हो ही जाएगा, बात ही खत्म। प्रॉब्लम तो मेडिकल वालों की है, इंटीगेशन भी आ गई, ट्रिग्नोमेट्री भी आ गई। इतना भी एस एच एम नहीं है एस एच एम है पर करंट एस एच एम में होता नहीं, इतना भी नहीं है कि तुम एस एच एम के रिजल्ट ही सारे चेप दो, और कोई एक्सलेशन भी होती है, नहीं हो पाएगा, इतना भी नहीं है। ठीक है, समझाने के लिए एक बार है, इसके बाद नहीं है, इसके बाद ये करंट ही है। नेक्स्ट है, ये हमने कर लिया। नेक्स्ट है, अब जैसे ये ग्राफ गिवन है, ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, देख रहे हो, 0 से t, t से आगे रिपीट, पैटर्न रिपीट हो रहा है। अब साइन वेव नहीं है, आपको करंट और टाइम का ग्राफ गिवन है, आपको मीन वैल्यू ऑफ करंट निकालना है। देखो, जब मीन वैल्यू ऑफ करंट आएगी तो एक ही रूल है, टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम। जैसे एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ऐसे ही टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम। और करंट और टाइम का चार्ज क्या होता है, इसके अंडर एरिया, दो एरिया मत निकालना, 0 से t का एरिया बस, उसके बाद तो पैटर्न रिपीट है। जो पैटर्न रिपीट है, एक पैटर्न उठा लो, ये पैटर्न है, एक पैटर्न उठाओ बस, इसका एरिया निकालो, आई नॉट इंटू टी बाई टू, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना है, टी। न्यूमिनेटर क्या आ गया, करंट इंटू टाइम क्या होता है, चार्ज। तो इसका एरिया क्या दे रहा है आपको, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज को टोटल टाइम से डिवाइड किया, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। तो मीन वैल्यू हमेशा टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम से ही निकलेगी, सही है। ये जो क्वेश्चन है ओनली फॉर नॉन मेडिकल कॉम्पिटिशन, ना एनसीईआरटी ना नीट, कुछ भी नहीं। पैटर्न रिपीट हो रहा है, देख रहे हो, ये पैटर्न लाइंस रिपीट हो रही हैं, और ये वोल्टेज रिपीट हो रही है, और वोल्टेज कॉन्टिन्यूसली चेंज भी हो रही है। आपको इसमें आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज निकालनी है, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज का कोई शॉर्टकट लगेगा नहीं, क्योंकि साइन वेव तो है नहीं, तो मेरे को यही लगाना पड़ेगा वी स्क्वायर डी टी की इंटीग्रेशन, जो बेसिक फार्मूला है।
प्रॉब्लम ये है कि मेरे को इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वी नहीं पता, तो निकाल लो। मैथ के लोगों को स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आती है, तो ये लाइन की इक्वेशन रिपीट हो रही है, तो कोई भी एक लाइन पकड़ लो, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई एक्सिस में वी है, एक्स एक्सिस में टाइम है, स्लोप निकाल लो टेन थीटा से, दिस साइड बाई दिस साइड टू वी नॉट बाई टी, ये रहा, और इंटरसेप्ट कितना है माइनस वी नॉट, ओनली फॉर नॉन मेडिकल। तो वी का फॉर्मूला निकाल लिया आपने स्मॉल टी की फॉर्म में, उस वी के फॉर्मूले को यहाँ पुट कर दिया, ये रहा, डिवाइडेड बाई टाइम कैपिटल टी है। अब इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये रहा अपॉन कैपिटल टी तो चल ही रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म कॉन्स्टेंट बाहर आ गए, सेकेंड टर्म कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, थर्ड टर्म कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, इसकी इंटीग्रेशन टी क्यू बाई थ्री, इसकी टी और इसकी टी स्क्वायर बाई टू, वैल्यूज पुट करके आंसर आएगा वी नॉट बाई रूट थ्री। तो नॉन मेडिकल लोग मेरे ख्याल से सुन पा रहे हैं कि इसको कैसे करना है, लाइन की क्वेश्चन के साथ इंटीग्रेशन का कॉम्बिनेशन है।